तो क्या नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है या फिर नीट के रिजल्ट पे स्टे लगने वाला है? तो ये सारे जितने भी मार्केट में आज न्यूज चल रही है, और अगर नीट का एग्जाम दोबारा होगा तो किस डेट पे होगा, वो सब बातों का हम विद प्रूफ आज इस वीडियो में बात करेंगे। एक एक प्रूफ आपको दिखा देंगे जो कि NTA की ऑफिशियल साइट पर है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप किसी भी तरह के और फॉल्स ट्रैप्स में ना पड़ो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज का इस टाइम पे बर्निंग टॉपिक है, क्या नीट 2024 फिर से होने वाला है, अगर होगा तो किस डेट को होगा, या फिर जो पेपर लीक की बातें हो चल रही थी उस सब का क्या रियलिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि नीट 2024 का एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला है, ऐसा कोई ऑफिशियल साइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था इसके रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप देख लो वहां पे। उसके बाद जो बात करें नीट के जो पेपर लीक का इशू था, वो जितनी भी रूमर्स थे वो सब बेसलेस थे, उनका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं था। ऑल्दो उसमें एक मैटर सामने आया था जो राजस्थान के अंदर हुआ था, जिसमें एक एग्जाम सेंटर में बच्चों ने एग्जाम टाइम से पहले ही हॉल से बाहर निकले थे, बट NTA मेक इट वेरी श्योर कि कोई भी इंसान एग्जाम टाइम के बाद या एग्जाम टाइम के बीच में सेंटर में री एंटर नहीं कर सकता है। तो वहां से ये चीज बेसलेस प्रूफ होती है, एंड उसके अलावा जितनी भी रूमर्स थी वो सब फॉल्स थी। एंड इसके बाद फर्दर बात करें, जो PIL सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी, जिसका ये डिसीजन था कि वेदर नीट 2024 का जो रिजल्ट जून में आने वाला है वो उसी डेट पे आएगा या उस पर स्टे लगने वाला है, तो उसका भी 17 मई को शाम को नोटिस आ गया। उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि देयर इज नो फर्दर डिले ऑन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन टाइम। स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, आप वीडियो पॉज करो एंड इधर पे पढ़ सकते हो पूरी डिटेल्स क्या लिखा है क्या नहीं। इसके अलावा भी इस टाइप की कोई भी न्यूज़ है, इसके फॉल्स ट्रैप्स में मत पढ़ो एंड किसी भी तरह से अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करो। बाकी वी आर हेयर फॉर योर हेल्प, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी। फर्दर अगर आपको MBBS इन इंडिया में आप चाहते हैं, आपका स्कोर 500 से कम है, 200 से ज़्यादा है, 500 के बीच में, और आपको इंडिया से MBBS करना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से, सो हमारी आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप हमें मैसेज कर दो। वी आर देयर फॉर योर हेल्प एंड आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फर्दर आपको कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।